सिंध के हालात कौन ठीक करेगा? सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाज चीफ जस्टिस के रिमार्क्स के सूबाई हुकूमत नाकाम हो चुकी, अवाम के लिए कुछ नहीं किया, इमरान सिर्फ इंजॉय कर रहे हैं। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कराची के मामले पर तमाम कानूनी और आईनी पहलुओं पर गौर जारी है, जल्द फैसला होगा। नैब लाहौर की तरफ से तलबी, वजीर आला पंजाब की बगैर प्रोटोकॉल पेशी। उस्मान बुज़दार पेश हुए, नैब ने सवालनामा दिया, 18 अगस्त तक जवाब तलब कर 18 अगस्त तक जवाब तलब किया। ज़राए के मुताबिक नैब ने बुज़दार और अहले खाना की जायदादों का रिकॉर्ड मांगा, अजीज़ों के नाम पर जायदादें बनाने के इल्ज़ाम में पूछगिछ की। बुज़दार हर सवाल पर कहते रहे कुछ नहीं मालूम, वक्त ने सोच कर बताएंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अफगान सफीर की जीएचक्यू में अलविदाई मुलाकात। आईएसपीआर के मुताबिक अफगान सफीर ने अफगानिस्तान और अमन अमल के हमायत पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। चीन के सदर शी जिनपिंग जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे, सफारती ज़राए के मुताबिक चीनी सदर के दौरे की तारीख का तायुन किया जा रहा है। सिंध में 20 किलो आटे की कीमत 1400 से 1600 रुपए तक पहुंच गई, शिबले फराज कहते हैं सिंध हुकूमत गंदम रिलीज नहीं कर रही जिससे कीमतें बढ़ती हैं, 24 अगस्त को गंदम का जहाज पहुंचने पर किल्लत खत्म हो जाएगी। उधर वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत अशियाए खुर्दनोश की कीमतों से मुतल्लिक इजलास भी हुआ। जश्न आज़ादी की तैयारियां, पार्लियामेंट हाउस पर चरागा, लाहौर में कजाफी स्टेडियम को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। आज़ादी की खुशी पेशावर में भी रोशनियों की शक्ल में बिखर गई, शहर का कोना कोना जगमगा उठा।